इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश पंप को अपनी बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिया है। कोर्ट ने 17 से 23 अक्टूबर तक जावेद की सुरक्षा करने का भी निर्देश दिया है और 24 अक्टूबर को जावेद को देवरिया जेल में समर्पण करने को कहा है। कोर्ट ने एसपी और कमिश्नर को याची की सुरक्षा के साथ जेल से बाहर आने व वापसी के समय चिकित्सा जांच कराने का भी निर्देश दिया है। अर्जी की सुनवाई 6 नवंबर को होगी। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा ने जावेद पंप की अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। जावेद का कहना था कि बेटी आफरीन फातिमा के निकाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 2022 को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज के अटाला में हिंसा हुई थी। खुल्दाबाद थाने में आईपीसी की धारा 147/427 एवं 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। स्मार्ट सिटी के सौरभ शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। हिंसा से मैसेज प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संपत्तियों को पत्थरबाजी से नुकसान हुआ था। हिंसा और पत्थरबाजी से 6,25,000 के नुकसान की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अटाला हिंसा के बाद करेली और खुल्दाबाद थाने में जावेद पंप के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन्हीं मुकदमों के आधार पर जावेद पंप के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई। पंप फिलहाल देवरिया जेल में बंद है।